बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे दो प्याज़ा भिंडी। इसके लिए दो सालन के चमचे तेल गरम कर लिया कढ़ाई में, और ये साबुत लाल मिर्च और ज़ीरे का भगार लगाया है, और एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हमें सिर्फ नरम करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी। और अदरक हमने ये एक इंच का टुकड़ा लेके बारीक बारीक कतर लिया है, इसको कटिंग करके इसमें डाल दिए। और ऐसे ही लहसुन के जवे 8 से 10 अदद बारीक बारीक काट के डाल दिए, और हमें सिर्फ इसको सोते करना है हल्का हल्का। और अगर आप चाहें तो भिंडियों को इसी तेल में पहले से फ्राई करके निकाल सकते हैं। मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इसलिए डायरेक्ट पकाऊंगी मैं। और ये कुटी मिर्च है, नमक है, पिसा धनिया है, हल्दी है 1 टीस्पून, कुटी मिर्च है, और ज़ीरा है 1 टीस्पून। हल्का हल्का इसको सोते करने के बाद अब मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूंगी। धोने के बाद को खुश कर ली थी, उसको काट लिया था आधे इंच के टुकड़े, कटिंग कर लें या तो 1 इंच के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और एक अदद मैंने इसमें केरी काट के डाली। अगर आपके पास केरी ना हो तो सूखी खटाई या आम चूर का पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, या इमली भी डाल सकते हैं खटास के लिए, या फिर टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें। ये मैंने 1 किलो भिंडियाँ ही हमारी, मैंने इसको काट के खुश कर लिया था पहले, सुखा के फिर उसकी कटिंग करी है, और ये इसमें ऐड कर दिया है इसी मसाले में। अगर चाहे तो भिंडियाँ अलग से, बहुत से लोग फ्राई करते हैं, आप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये दो प्याज़ा भिंडी बहुत मज़े की बनी थी, और खाने में बहुत मज़ा आया सबको घर में। अब ये मैं इसमें ये दो अदद मीडियम साइज़ की प्याज की मोटे मोटे मैंने परत बना ली हैं दो प्याज़ा भिंडी के लिए, और इसको इसी में ऐड कर दिया। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं फीकी वाली है हमारी, ये भी लंबाई में काट के ऐड कर दिए इसमें। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक को लाच करके फिर मैं रखूँगी, तो 1-2 मिनट जब इसमें भाप लग जाएगी तो बिल्कुल धीमी आंच करके ढक्कन लगा दूँगी, और ये गलने के लिए छोड़ दूँगी इसको। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी भिंडी और प्याज वगैरह, टमाटर। अभी इसमें मैं एक अदर टमाटर भी काट के डालूँगी, और ये दो प्याज़ा भिंडी बेहद मज़े की बनती। भिंडी कई तरीक़ों से बनाई जाती है, और गर्मियों में भिंडियाँ खाने का एक अपना ही लुत्फ़ है, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है हमारी हड्डियों के लिए। और ये देखिए मैं इसमें एक अदद प्याज टमाटर भी शामिल कर दिया। अब मैं इसको भाप लेने के बाद इसको ढक्कन लगा दूंगी, इसको कवर करके धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए आधे घंटे में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे इसको गलने में। अब ये बिल्कुल तैयार है ये। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। प्याज देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। प्याज हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, बिल्कुल घोटना नहीं है इसको, ताकि ये नज़र आए दो प्याज़ा भिंडी में प्याज। और अगर आप चाहें तो प्याज को भी अलग से तेल में फ्राई कर सकते हैं, भिंडियों को भी, इससे डबल तेल ज़ाया होगा, और तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कोशिश करें कि तेल कम से कम यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तेल, और महंगाई की वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।